कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए बेरोजगारी को वजह बताया है। जर्मनी और ब्रिटेन के 4 दिन के दौरे पर आए राहुल ने कहा, लिंचिंग की घटनाओं के लिए मोदी सरकार की जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियां जिम्मेदार हैं। केंद्र ने नोटबंदी जीएसटी को खराब तरीके से लागू किया, इससे छोटे और मझोले कारोबार चौपट हो गए, इससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और लोगों में नाराजगी बढ़ गई। लिंचिंग के बारे में जो कुछ भी हम सुनते हैं वो इसी का परिणाम है। दरअसल राहुल ने हैम्बर्ग के बोरेसियस समर स्कूल में हुए कार्यक्रम में कहा, कामगारों के बीच नौकरियों की कमी से घृणा और टकराव पैदा हो रहा है। मैं कहता हूं कि भारत में यदि हम सभी लोगों को रोजगार दे पाते हैं तो जनसंख्या भी अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस हमें इस क्षेत्र में मजबूती से काम करना होगा। मोदी जी इस मामले में कामयाब नहीं हुए हैं। भारत में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है लेकिन प्रधानमंत्री इसे नहीं मानते हैं। कपल इयर्स बैक द प्राइम मिनिस्टर डीमोनेटाइज्ड द इंडियन इकोनॉमी। ही बेसिकली सेड दैट 1,000 रुपी एंड 500 रुपी नोट्स वुड बी वर्थलेस एंड ही डिस्ट्रॉयड द कैश फ्लोज of all these small and medium businesses. Millions and millions and millions of people who worked in the informal sector were left unemployed. I want to give you a sense of the scale of this. China produces 50,000 new jobs every 24 hours. In the same amount of time, in the same 24 hours, India, a country that is approximately the same size as China, produces only 450. And they didn't stop at demonetization. They imposed a badly conceptualized, badly thought through, badly implemented goods and services tax, which complicated the lives of these small and medium businesses and basically resulted in the closure of hundreds of thousands of them. And large numbers of people who worked in these businesses were forced back to the villages.